अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो आपके पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है नेफ्ट, दूसरा आरटीजीएस और तीसरा आईएमपीएस। अब ये तीनों मेथड कैसे काम करते हैं, कौन सा मेथड आपको कब यूज करना चाहिए, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं किसी को, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट लेट से एसबीआई की करोल बाग दिल्ली की ब्रांच में है, और अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं किसी को जिसका अकाउंट एक्सिस बैंक की रामापुरम चेन्नई ब्रांच के अंदर है, तो सबसे पहले तो उसका आईएफएस कोड आपको पता होना चाहिए। तो रामापुरम ब्रांच जो है एक्सिस बैंक की, उसका आईएफएस कोड ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एक तो आपके पास तरीका है नेट बैंकिंग का। आप अपने लैपटॉप में उसकी वेबसाइट पे जाके, जो भी आपका बैंक है एसबीआई का अगर ये अकाउंट है, तो आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके अंदर लॉग इन करेंगे और फिर आपको बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना होगा। दूसरा ऑप्शन है आप मोबाइल बैंकिंग यूज करके कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। पहला तो आपको नेम ऑफ बेनिफिशियरी चाहिए, जिसके भी नाम पे आपको ट्रांसफर करना है पैसा, उसका एग्जैक्ट नाम चाहिए अकाउंट के अंदर क्या है। दूसरा, उसका अकाउंट नंबर चाहिए। तो एक्सिस बैंक में अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिसका भी ये अकाउंट है वो एग्जैक्ट अकाउंट नंबर चाहिए आपको एक्सिस बैंक का। तीसरा, आईएफएस कोड चाहिए आपको। तो यहां मैंने ये आईएफएस कोड जैसे लिख दिया है, फॉर एग्जांपल ये चाहिए होगा। और एक बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप एसबीआई की वेबसाइट में एक बार जाएंगे, तो जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं, उसको आपको एज बेनिफिशियरी अपने अकाउंट के अंदर रजिस्टर करना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कितना टाइम लगता है। कुछ बैंक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक के अंदर, तो इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, इंस्टेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में 30 मिनट तक का टाइम लग जाता है, कुछ बैंक्स के अंदर एक दिन का टाइम तक भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, आपका किस बैंक के अंदर अकाउंट है। चलिए अब हम नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के इंडिविजुअल फीचर्स समझ लेते हैं और आपको कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ये टेक्नोलॉजी 2005 के अंदर लागू हुई थी। तो जिन जिन बैंक्स ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, वो सारे इसके मेंबर बन गए। और जिस भी बैंक के पास ये टेक्नोलॉजी है, उन बैंक्स के बीच में नेफ्ट का फंड ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए, आज की डेट में सारे पॉपुलर बैंक्स जो हैं, वो नेफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आज की डेट में आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि नहीं। फिर नेफ्ट के अंदर टाइमिंग होती है, आप सेम डे पैसा भेज सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस आवर्स के अंदर ही ट्रांजैक्शन करनी होती है, विच मींस 8 AM से लेके 6:30 PM तक ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके अंदर लिमिट्स क्या क्या है, मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 रुपये 2 रुपये भी भेजना चाहें तो आप जरूर भेज सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की कितनी लिमिट है, कुछ बैंक्स के अंदर ये 10 लाख की लिमिट होती है मैक्सिमम अमाउंट की, कुछ बैंक्स इसे 25 लाख तक की लिमिट दे देते हैं। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं बेनिफिशियरी का, तो इनिशियली 24 घंटे के अंदर ये लिमिट कम हो सकती है। तो कुछ बैंक्स के अंदर ये 30,000 की होती है और कुछ बैंक्स के अंदर ये अप टू 50,000 की लिमिट होती है। चार्जेस कितने लगते हैं, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, अलग अलग चार्जेस लग सकते हैं। तो अब जैसे मैं एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, तो 2.5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक आपके चार्जेस लगते हैं। हाँ, जीएसटी अलग से लगता है, ये पर ट्रांजैक्शन लगते हैं। जितना अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से अलग अलग स्लैब्स होते हैं हर बैंक के, उस हिसाब से ये चार्जेस लगते हैं। तो नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके बाद फंड ट्रांसफर कैसे होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेम डे फंड ट्रांसफर हो जाता है और ये आर्ली बैचेस में होता है, मतलब 9 बजे से लेकर 7 बजे तक हर घंटे पे जितनी जितनी ट्रांजेक्शन इकट्ठी होती जाती हैं वो डिस्पैच कर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 से 9 के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, लेट से 10 ट्रांजेक्शन हुई 8 से 9 बजे के बीच में सुबह एसबीआई के अंदर, तो ये 10 की 10 ट्रांजेक्शन 9 AM के पे ये रिलीज कर दी जाएंगी। फिर लेट से 9 to 10 AM के अंदर, लेट से अगर 15 ट्रांजेक्शन हुई इकट्ठी, तो ये पूरा एक बैच बन जाएगा और फिर 10 बजे ये ट्रांजेक्शन रिलीज कर दी जाएंगी।
तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर नहीं होता है, इसके अंदर बैचेस बनके बैच के अंदर ट्रांसफर होता है पैसा। तो अगर आपको इंस्टेंट ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस ऑप्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आप रियल टाइम से मतलब समझ ही सकते हैं कि ये इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर होता है। इसमें टाइमिंग इसके क्या रहते हैं, 8 AM से लेके 4 PM तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है इसके अंदर 2 लाख का। 2 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। अगर 2 लाख से नीचे की आपको इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको IMPS ऑप्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम इसके अंदर कितना अलाउड होता है, 25 लाख तक इसके अंदर आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुछ बैंक्स के अंदर ये 10 लाख लिमिट हो सकती है, कुछ बैंक्स के अंदर ये 25 लाख तक की लिमिट अलाउड होती है। फिर चार्जेस कितने लगते हैं, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर मैं आपसे एक्सिस बैंक या HDFC या ICICI की बात करूं तो 25 रुपए से 50 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन लगता है प्लस GST। उसके बाद फंड ट्रांसफर, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इसके अंदर फंड ट्रांसफर इंस्टेंट होता है। अब देखिए IMPS के अंदर क्या है, RTGS में तो आपकी मिनिमम लिमिट थी कि 2 लाख का आपको अमाउंट करना है, IMPS के अंदर ये कोई लिमिट नहीं है। तो IMPS भी एक बार थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं। IMPS की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे इमीडिएट पैसा पहुंच जाएगा जिसके भी पास आप भेज रहे हैं। टाइमिंग 24/7। तो ये भी बात, मैं इसको भी स्टार मार्क कर देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है IMPS का। आप घर बैठ के रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, इसीलिए IMPS बहुत बढ़िया है। फिर लिमिट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिनिमम लिमिट भी कोई नहीं है। आप चाहे 2 रुपए, 5 रुपए, चाहे 10,000, 20,000 कितने भी अमाउंट भेज सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम लिमिट जरूर है 2 लाख तक के लिए आप IMPS यूज कर सकते हैं। तो 0 to 2 लाख के लिए अगर आपको इंस्टेंट पैसा भेजना है तो आप IMPS यूज कीजिए। फिर मैंने जैसे पहले कहा था कि बेनिफिशियरी जब आप नया नया रजिस्टर करते हैं किसी को तो कुछ बैंक्स लिमिट लगाते हैं कि आप 24 घंटे तक कम पैसा भेज सकते हैं। तो कुछ बैंक्स में ये 30,000 की लिमिट होती है, कुछ बैंक्स में ये 50,000 तक की लिमिट होती है। फिर चार्जेस कितने लगते हैं IMPS के लिए, ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो इसके अंदर मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक की मैं आज बात करूं तो 1,000 रुपए तक की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है उसके अंदर। उसके बाद अलग अलग स्लैब्स हैं, आपको 5 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए इस तरीके के स्लैब होते हैं। तो ट्रांजैक्शन अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो 0 to 25 रुपीज आपके चार्ज लग सकते हैं पर ट्रांजैक्शन, प्लस ऑफकोर्स आपको GST भी पे करना होगा। फंड ट्रांसफर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इसके अंदर इंस्टेंट होता है। अब देखिए फंड ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं IMPS के अंदर। NEFT और RTGS के अंदर तो एक सिंगल ही तरीका होता है कि आपको बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आपका IFS कोड चाहिए होता है। लेकिन IMPS के केस में आप खाली मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं ट्रांसफर। मोबाइल नंबर अगर आपका किसी अकाउंट से लिंक्ड है तो वो मोबाइल नंबर पे भी आप पैसा भेज सकते हैं। तो जिसके भी अकाउंट में आपको पैसा भेजना है उसका आपको MMID चाहिए होगा। MMID क्या होता है, ये एक 7-डिजिट का कोड होता है जो हर अकाउंट के लिए एक बैंक जनरेट करता है। ये आप अगर अपने अकाउंट का जनरेट करना चाहते हैं तो हर बैंक आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उस पर आप SMS भेज के ये नंबर अपना जनरेट कर सकते हैं। तो MMID की फुल फॉर्म होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो ये एक हर अकाउंट का यूनिक कोड होता है। दूसरा तरीका होता है आपके पास अकाउंट नंबर और IFS कोड यूज करके, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर आप बेनिफिशियरी का नाम डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं और उसकी ब्रांच का IFS कोड डालते हैं, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तीसरा तरीका आजकल ये नया आ गया है, अगर किसी का अकाउंट आधार से लिंक्ड है तो आधार नंबर यूज करके भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए ये तो हो गई सारी कंसेप्ट की बात, मैंने आपसे नेफ्ट, RTGS और IMPS के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक ऑनलाइन रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं IMPS की, एक हम ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये देखिए मैंने अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट में लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे ऊपर पेमेंट्स में जाके, ट्रांसफर फंड्स में जाके मेरे को ऑप्शन मिलता है ये ऑनलाइन ट्रांसफर का। सारे बैंक्स का सिमिलरली प्रोसेस होता है, या तो आपको यहाँ पे मेन मेनू टॉप में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तो आपको बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना होगा। अगर आप किसी नए बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है, रजिस्टर किया हुआ है। मैं अपने दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, ये देखिए मुकुल मलिक और HDFC का मेरा एक चेन्नई में अकाउंट है, उसमें मैं फंड ट्रांसफर करूंगा। तो एक बार नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे को क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं।
तो ये वन टाइम मैं कर सकता हूं डिपॉजिट, या फिर मैं रेपिटेटिव भी कर सकता हूं कि अगर मेरे को हर मंथ पेमेंट करनी है वो भी मैं यहां पे लगा सकता हूं। अमाउंट यहां पे डाल देते हैं, कुछ भी आर्बिट्रेरी सा अमाउंट डाल देते हैं, 140 रुपये डाल देता हूं मैं। तो 140 रुपये डाल रहा हूं तो दैट मीन्स 2 लाख से तो कम है, तो आरटीजीएस का ऑप्शन तो यहां बनता नहीं है। या तो मैं नेफ्ट कर सकता हूं या आईएमपीएस कर सकता हूं। अभी 7:30 बजे हैं 14 अगस्त को, तो डेफिनेटली मैं नेफ्ट भी नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स आईएमपीएस कर सकता हूं मैं। तो आईएमपीएस कर लेते हैं, नेक्स्ट दबाएंगे यहां पे। तो ये देखिए ये पेमेंट की कंफर्मेशन मांग रहा है। अब नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए ये यहां पे सारी डिटेल्स आ गई हैं, और ये 5 रुपये का चार्ज लग रहा है 140 रुपये पे। मैं आई हैव रेड डिस्क्लेमर एंड एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन कर देता हूं, और अपने मोबाइल में देख के ये नेट सिक्योर कोड डाल देता हूं। तो ये मैंने नेट सिक्योर कोड ऐड कर दिया है, अब यहां पे कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए आईएमपीएस फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। इसके बाद आप इस रिसीट को ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।